हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हाजिर हूँ हमेशा की तरह लेटेस्ट अपडेट के साथ। दोस्तों ये जो भर्ती है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है, एयरमैन की भर्ती होने जा रही है, तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। ऐसे ही जेन्युइन, ऑथेंटिक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लिए हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोजाना अपने यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। दोस्तों जो है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन पर्सन के लिए भर्ती है। दोस्तों यदि आप इस एग्ज़ाम को पास करते हो तो दोस्तों आपको जो है एयरमैन की पोस्ट पे जो है दोस्तों ग्रुप वाई के अंदर नॉन टेक्निकल ट्रेड के अंदर पोस्टिंग आपको दी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर दोस्तों आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका रहने वाला है। दोस्तों ये जो भर्ती है अनमेरिड मेल पर्सन के लिए भर्ती है। दोस्तों आपका जो सिलेक्शन ट्रायल है न्यू वेलिंगटन कैंप एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, लोकल लैंडमार्क न्यू दिल्ली में जो है आपके जो है ट्रायल्स होने वाले सिलेक्शन के, 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक 7 बजे, मतलब कि 7 बजे सुबह से जो है स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों स्पेशली ये स्पोर्ट्समैन के लिए भर्ती है। दोस्तों आप स्क्रीन पोज करके आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपने स्पोर्ट्स का जो है, यहाँ पर जो है फुल डिटेल उन्होंने दी हुई है, यहाँ से आप अपने स्पोर्ट्स जो है चूज कर सकते हो। और दोस्तों जो कैंडिडेट वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग के लिए हैं, दोस्तों आप यहाँ से जो है उसके लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो है फुल डिटेल्स आप स्क्रीन पोज करके यहाँ से चेक कर सकते हो। दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है 26 अप्रैल से लेकर जो है 5 मई तक चलने वाला है। 26 अप्रैल को दोस्तों आपका जो है PFT 1 और PFT 2 आपका होने वाला है, वहीं न्यू दिल्ली के अंदर सेम एड्रेस पर। और दोस्तों 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को दोस्तों आपके जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल होंगे, ठीक है। और दोस्तों जो है 4 मई और 5 मई को दोस्तों आपकी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन वहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों आपने जो है 12th क्लास पास कर रखी है। और दोस्तों स्पोर्ट्स की अचीवमेंट की बात करें तो दोस्तों यदि दोस्तों आपने जो है जूनियर इंटरनेशनल मीट या दोस्तों सीनियर इंटरनेशनल मीट के अंदर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। या दोस्तों आपने जो है जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के अंदर एटलीस्ट 5th पोजीशन आपने हासिल की हो, या दोस्तों आपने जो है सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप के अंदर अपनी स्टेट को या यूनिट को आपने रिप्रेजेंट किया हो, या दोस्तों आपने जो है इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में भाग लिया हो, तो दोस्तों आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या दोस्तों आप जो है टीम इवेंट के अंदर आप खेलते हो और दोस्तों आपने जो है जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के अंदर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्रिकेट के लिए दोस्तों इन्होंने स्पेशल दिया हुआ है। दोस्तों आपने जो है 12th क्लास पास कर रखी हो, या दोस्तों साथ में आपने जो है BCCI के द्वारा कंडक्ट होने वाली ट्रॉफी जैसे अंडर 19, अंडर 23, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी आपने खेल रखी हो, तो दोस्तों आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों आप 17 साल से लेकर 21 साल तक इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल मेजरमेंट्स की बात करें तो दोस्तों आपकी जो हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों आपकी जो आई जैसे 6x6 की इन्होंने मांगी हुई है। दोस्तों आप स्क्रीन पोज करके आप यहाँ से चेक कर सकते हो। दोस्तों आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं ट्रायल के टाइम पे, दोस्तों आप यहाँ से नोट कर सकते हो। आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर वहाँ पर पहुँचना है। दोस्तों ये सिंपल सा एक कंसेंट फॉर्म है। दोस्तों आपको जो है कंसेंट फॉर्म फिलअप करके जमा कराना है फिजिकल टेस्ट से पहले। दोस्तों आप इसको प्रिंट आउट निकाल के जो है इसे फिलअप आपको कर लेना है। यदि दोस्तों आप 18 ईयर्स से कम एज के हो तो दोस्तों आपको जो है अपने पेरेंट्स से इसे साइन कराना है। यदि दोस्तों आप 18+ हो तो दोस्तों आप जो इसे खुद भी साइन कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपको जो है 14,600 रुपये ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले हैं। और दोस्तों आप जब जो है परमानेंट इस पोस्ट पे ज्वाइन कर लोगे तो दोस्तों आपको जो है 26,900 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। साथ में दोस्तों आपको जो है वेरियस पर्क्स भी इसके साथ मिलने वाले हैं। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों PFT 1 के अंदर जो दोस्तों आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। उसके बाद दोस्तों PFT 2 होने वाला है जिसके अंदर जो दोस्तों आपको 10 पुशअप्स लगानी है 1 मिनट के अंदर, 10 सीटअप्स लगानी है 1 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट्स लगानी है आपको दोस्तों 1 मिनट के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपके इस परफॉर्मेंस के बिहार पर जो है दोस्तों आपको स्पोर्ट्स स्किल्स ट्रायल्स आपके लिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाएगा। दोस्तों आप स्क्रीन पोज करके आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि जो जो आपके जो है मेडिकल के अंदर जो जो चेकअप होने वाले हैं वो सब इन्होंने बताए हुए हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर ही ये फॉर्म दिया हुआ है। दोस्तों यदि आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों आपको ये सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों मैंने इस फॉर्म का लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फॉर्म फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको जो है अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और दोस्तों स्पोर्ट्स की जो आपकी अचीवमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी दोस्तों स्कैन कॉपी जो है दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपको मेल करनी है।
इन्होंने जो है ईमेल दे रखा, आपको यहाँ पर ईमेल करके अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्योरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों ऐसे ही जेन्युइन, ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग एंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ाना आपके यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते हैं।